यूपी के उन्नाव से खबर है, जहां सड़क हादसे में चार महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक वृद्ध का बीमारी के कारण कानपुर के हैलट अस्पताल में निधन हो गया। आज सुबह मृतक का शव एम्बुलेंस से उसकी पत्नी और बेटियां गांव जा रही थी, तभी पुरवा थाना क्षेत्र के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। वहीं सड़क हादसे में मृतक की तीन बेटियों और माँ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्सीडेंट की सूचना पर पूर्वा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं चारों मृतकों के शवों को मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं बड़े हादसे की सूचना पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा, एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह, सीओ पूर्वा दीपक सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने पुलिस कर्मियों को घटना को लेकर निर्देश दिए हैं। एक आज की तारीख में मॉर्निंग में धनीराम नाम के व्यक्ति ने मोरावा के निवासी उनकी डेड बॉडी को लेकर के हेलट से एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें लगभग 4:30-5 बजे के बीच में एक्सीडेंट जहाँ यह दुर्घटना स्थल में पूर्वा के आगे यहाँ पर हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बच गया है। उसको उसकी तलाश की जा रही है और जल्दी है इसमें जो घटना का कारण है उसका पता लगाएंगे और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। इसमें एक लड़की अभी अंजलि इसका नाम है, वो अभी सुरक्षित, सुधा नाम है सुधा, वो अभी सुरक्षित है और उसका इलाज हेलट में किया जा रहा है। ठीक सर, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।